Hey guys, this is Deepak and welcome back once again on my channel and good morning from Losar. Losar, हम कल शाम को आ गए थे. रात को थोड़ी बहुत ठंड लगी बट अपना एक रजाई के अंदर काम चल गया. ऊपर बर्फ पड़ी हुई है सी, और ये फ्रेश पड़ी है रात को, देखो. और आज का हमारा प्लान है चंद्रताल जाने का. ऑफ रोडिंग बहुत तगड़ी है करेंगे. कहते हैं कि मतलब ऐसी ऑफ रोडिंग जिसने पहली बार नहीं करी उसके लिए तो बहुत ज़्यादा हाई फाई ऑफ रोडिंग हो जाती है. चलो कोई बात नहीं, ट्राई कर लेंगे. और उसके बाद हम कोशिश करेंगे वहीं पर ही कैंप लेने का. कैंप लेके कल सुबह वहाँ से निकलेंगे मनाली के लिए. और प्लान तो बस ये है, अब देखो उसके अकॉर्डिंग चलता है या नहीं चलता है. बाकी हम लोग तैयार हैं, बैक पैकिंग चल रही है, बैक पैकिंग करके और फिर निकल जाएंगे. ऐसी आज हमारा 5वां दिन है जब हम हिमाचल प्रदेश के ऐसे ऐसे पहाड़ों में घूम रहे हैं जहाँ से बीच में से बुग्याल निकल रहा है. दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे आसमान चूमते हुए पहाड़ हैं. मतलब कि ये लगा लो कि ये आँखों में बसाने वाला दृश्य है. इमेजिन, मतलब घर जाऊँगा ना दिल्ली तो ये बहुत मिस करने वाला हूँ अपनी असली आँखों से देखने के लिए. बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. तो भाई निकल गए हैं हम लोग चंद्रताल के लिए. और सही बात बताऊं तो थोड़ा सा अब दुख दुख हो रही है क्योंकि वाटर क्रॉसिंग जो है वो उनका लेवल बढ़ गया होगा. 3 कह रहे हैं वाटर क्रॉसिंग आएगी. तो ये क्या है भाई, रास्ता कहाँ है, बंद है. तो यहाँ हो गई हमारी एंट्री. हमने बता दिया गाड़ी का नंबर, नाम, फ़ोन नंबर. चंद्रताल जा रहे हैं. और जी 25 किलोमीटर के बाद राइट लेना है, पता नहीं लेफ्ट लेना है, कुंगजुंग पास से. और वहीं से ही शुरू हो जाएगी हमारी बैंड बजनी. खैर यहाँ से 7 किलोमीटर बाद ऑफ रोडिंग के नज़ारे शुरू हो जाएंगे. बड़ी मेहनत से ड्रोन शॉट लिया है. आई होप कि आपको अच्छा लगेगा. और रिस्क भी लेते हैं भाई, अभी पहाड़ में घुस जाता. बसड़ हो गई. अभी ड्रोन शॉट लिया था वो भाई को मैंने आगे भेज दिया. मैंने कहा अभी मैं स्टार्ट करके आ रहा हूँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही. अरे यार तंग हो गया इस गाड़ी से, क्या करूँ, कुछ इलाज नहीं मिल रहा. अब ये 15 से 20 मिनट बाद गाड़ी स्टार्ट हुई है. थक गया यार, हद ही हो गई है यार. मैं इतना तंग हो रहा हूँ ना गाड़ी से, मैं ऐसी जगह पे अकेला फंस जाऊँ तो क्या होगा यार. अंधेरा भी था कल रात को, हम लोग आ रहे थे, क्या पता गाड़ी यार. भाई मैं तो भाई भाई मना करता हूँ लोगों को कि भाई मत लो बजाज का प्रोडक्ट. जाते ही भाई सुनाऊंगा.
तो देख लो गाइस, एडवेंचरस स्पीति वैली है ये। कितनी खूबसूरत वैली है, देखो मजा आ रहा है देखे। और ये शुरू क्या ऑफ रोडिंग। अब बस तू मत धोखा दे हो यार, मैं पहले ही बहुत तंग हो गया हूँ। बार बार बंद हो रही है, बंद हो जाती है तो स्टार्ट नहीं होती है। चलती अच्छा है, ठीक है, बट भाई एक वाटर क्रॉसिंग आई तो है, देखो हैं। चलो अच्छा ठीक है जी। ओ बोलो बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। कुछ भी नहीं था इधर, ये तो कुछ भी नहीं है, सस्ते वाली थी। अच्छा एक चीज़ है, आगे वाला बंदा निकल जाए ना जब उत्तरी, देख रहे हो जी विजेंद्र जी, ऐसा धोखा दे रही है गाड़ी। हे भगवान, अब मैं डूब जाऊंगा ऐसे तो फिर क्या होगा, बीच में ही कहीं वन गो में निकलना चाहिए ना। ये तो चीज वाटर क्रॉसिंग हो गई है। चल यार भाई का ये हो गया लकड़ी का पुल क्रॉस। ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाइयों, और गाड़ी मेरी बंद हो रही है बार बार। चल जा यार, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, और हवाएं वहां से आ रही हैं, देखो वो वहां से देख रहे हो। एक सेकंड, अब देखो जूम पे, ओए 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 देख रहे हो, एक रॉकेट उड़ के गया है, अभी दिखाया था मैंने अभी सी। और वहां पर भी बर्फ के पहाड़ हैं, पीछे भी हैं कहीं पर, और हम दोनों लोग ही हैं यहाँ पर, बस किसी का वेट कर रहे हैं चंद्रताल के लिए, रास्ता पूछ रहे हैं। अब एक रास्ता वहां पर है, एक रास्ता वहां से जाता है, अब ऊपर जा रहा है वो चंद्रताल जा रहा है, कहाँ जा रहा है पूछना पड़ेगा, गलत रास्ते पे नहीं जाने का है। चलो जी जब तक कोई नहीं आ रहा, थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह बनाते हैं फटाफट से, और उसके बाद फोटो वगैरह खिंचा के चलते हैं आगे। और फोटो जो है आपको मिलेगी इंस्टाग्राम की आईडी पे, जो कि स्क्रीन के नीचे आ रही होगी, चलो फॉलो कर लेना। सामने देखो एक बार यार, गजब नजारा है भाई, क्या गजब नजारा है। बर्फ इतनी डेंसिटी में पड़ी हुई है जिसकी कोई हद ही नहीं है। सी ऊंचे ऊंचे पर्वत और गगनचुंबी पर्वत हैं बर्फ वाले, अच्छे लग रहे हैं बहुत क्यूट। और फोटोज वीडियोस में आप ये लगा लो कि 25% ही आप इसकी खूबसूरती देख पाते होगे। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। उसको देखने के लिए आपको ये कष्ट तो झेलना पड़ेगा। चलो आगे जाके एक कट आएगा, वहाँ से हमने चंद्रताल के लिए अपनी ऐसी तैसी करानी है थोड़ी सी, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो वाट लगेंगी। से आ रहे हैं उधर से, और ये है कुंजुम पास के लिए रास्ता, और ये है कुंजुम पास। सी
बड़ा ही खूबसूरत बना रखा है, हर तरफ झंडे हैं। थोड़े दिन बाद बर्फ़ पड़ जाएगी यहाँ पर भी, और सामने तो आपको दिख ही रहे हैं माउंटेन्स बर्फ़ वाले। ओ देखो, अरे वाह क्या नज़ारा है ना, बढ़िया। तो आगे से रास्ता कटेगा, वहाँ से जाके रास्ता कटेगा चंद्रताल के लिए, वहाँ से निकलेंगे। बट अभी एक आज का जो सफ़र है थोड़ा टफ है, करके निकलेंगे। बहुत दिक्कत हो रही है भाई बाइक में। बारह बज गए दोपहर के, यार बाइक में फिर दिक्कत हो रही है। सुबह जल्दी कर लो, क्योंकि आपने लेट करा तो काम 35 हो जाएगा, डूब जाओगे। चलो जी, तो मित्रों रास्ता आ गया है चंद्रताल के लिए राइट जाना है, काजा के लिए जहाँ से हम आ रहे हैं मनाली के लिए लेफ्ट, तो चंद्रताल चलते हैं। बोलो बजरंग बली की जय। चलो लेपाट बना हुआ है, हाँ अचीवमेंट है। चल वाटर क्रॉसिंग आ गई भैया। बोलो जी ये गाड़ी निकल रही है, जज हो जाएगा हमें कितना गहरा है पानी। भाई मोमेंटम बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बोलो जय श्री राम। अरे 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 बाप रे, कर ली, सुसु भी आ रहा है मेरे को तो। चलो भाई ये थोड़ा सा टफ पैच आया है, और आगे बता रहे हैं कि इससे भी टफ आएगा, कोई बात नहीं कर लेंगे, करके दिखाएंगे, क्योंकि हम बॉब द बिल्डर हैं, कर देंगे। आ, 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 जितना हो सके पानी से अलग गाड़ी को रख कर। इतना खुला रीजन सा आ गया है और अच्छा लग रहा है यहाँ पर, सी ओपन ओपन सा। यहाँ मेरी इच्छा थी ड्रोन को फॉलो मोड पे लगाने की, बट ठीक है अभी हमने पीछे शॉट ले लिए थे, टाइम वेस्ट हो रहा है, और जितना ज़्यादा हम टाइम लगाएंगे आगे वाटर क्रॉसिंग खतरनाक होती जाएगी, आगे वाली ज़्यादा खतरनाक है। और मुझे लगता है सामने ही है चंद्रताल, वहाँ पर उधर, और वो देखिए सामने टेंट वगैरह आ गए हैं। वाटर क्रॉसिंग सी, और यही सबसे खतरनाक बता रहे हैं, जिसे हमें पार करना है। और ये जो पानी की हाइट आपको दिख रही है ये फेक है सब। कोशिश करेंगे कि बाइक को पहले वहाँ ले जाएं राइट में, और वहाँ से ही उसको खींच के ऊपर की तरफ वो ले जाएं। ठीक है जी, वाहेगुरु जी दी फतेह, करो फतेह। रोक मत, धीरे मत करियो गाड़ी, आगे यहाँ से पकड़ ले स्पीड, ले स्पीड पकड़ ले, स्पीड पकड़ ले, गुड 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 गुड, कर ली बहुत सही। बोलो बजरंग बली की जय। बाइक धुल गई, नहीं क्या क्या धुल गया, कोई बात नहीं, यहाँ तक तो सब ठीक है, कर लिया। गीला हो गया,
कोई बात नहीं, चलो तो मित्रों लेट्स सी कहां पर जाके हमें क्या टेंट वगैरह कहां से लेने हैं, कैसे लेने हैं, कितने का पड़ेगा सब बता देंगे आपको। और लेक के लिए शायद ऊपर कहीं पर जाना पड़ता है चढ़ के, चलेंगे बट पहले ये काम कर लेते हैं ऊपर बादल भी हल्के फुल्के। नहीं है नहीं नहीं ठीक है ठीक है, हर तरफ का यार लैंडस्केप देखो एक बारी, लवली नो। चलो करते हैं पता। है भैया हम दो ही लोग हैं बस, और सुबह चले जाएंगे अंधेरे ही। यहाँ भी ठीक है अपने सामने ही है। तो मित्रों प्यारे देश के वासियों बाइक हमारी यहाँ लग गई है, ये देख लो हर तरफ का नज़ारा, सब बुक है भाई सब बुक है, मतलब अच्छा पैसा दोगे तो बुक नहीं है, बाकी सब बुक है यहाँ पर। और ये देखो टेंट उंट, तो हमें जब पोटी और सुसु आएगा हमें वहाँ जाना है खुले में ठंडी ठंडी हवा में, हमें सामान उतारना पड़ेगा अपना। दूसरा चंद्रताल लेक के लिए ऊपर जाना पड़ेगा जो कि हम अभी थोड़ी देर में फ्रेश वगैरह होके जाने वाले हैं, उसको करके आ जाते हैं क्योंकि कल सुबह हम यहाँ से जल्दी निकलेंगे ताकि मनाली टाइम से पहुँच जाएँ। ठीक है तो चलो फिर करते हैं सामान उतारने की तैयारी, सामान रखते हैं अंदर और उसके बाद जाएंगे चंद्रताल लेक। शो यहीं ख़त्म हुआ। अच्छा एक सेकंड आपको एक बारी कैंप दिखा देता हूँ अंदर से, लाइट जलाना भाई। सॉरी लाइट वाइट नहीं है, ऐसे ही देख लो मित्रों अभी क्या है इसको बंद कर लेंगे हम लोग। हाँ ठीक है चलो आ जाओ। तो ये था टेंट हमारा, 1100-1200 रुपये पर पर्सन मिला है, कोई बात नहीं इंक्लूडिंग फूड और इंक्लूडिंग वो ओपन पोटी ओपन पोटी। चलो जी टफ है मगर ऊपर चढ़ना बहुत स्टीप है। हाँ वहाँ से आ रहा हूँ और पहाड़ देखो इतने ऑसम है और इधर को जाना है। हाय